बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर स्पीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बालाकोट में हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे बालाकोट की स्ट्रीट फूड जो है वो आज हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे अच्छा क्या क्या बनता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या अच्छा बनता है और ट्राई करते हैं। तो मौसम के लिहाज से सबसे पहला नंबर जो है ना वो पकोड़े और समोसे, क्योंकि बारिश के मौसम में चाय और पकोड़े जो है ना ये तो सभी को पसंद है। ये क्या डाला है? मैदा। बेसन डाला गया और थोड़ा मैदा भी डाला गया। देख, जीरा, जमैन, दड़ा मारो जो नमक। उधर ही आने बैन पकौड़े निकले ना, ये पकौड़े बन दे खास हम दे। नाना वाली मूत्र हो गया तू। नहीं मारता तू, मारने लगे मैं। चाय का इंतजार हो रहा है, समोसे और पकौड़े जो है आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि बहुत कुछ खाना है अभी। कौन है तुम्हें? चटनी अच्छी नहीं है। जैसे भी चाय के साथ खा रहे हैं तो चटनी की जरूरत नहीं है। समोसे भी अच्छे हैं, पकौड़े भी अच्छे हैं, चाय एवरेज है। क्यों मुकरम भाई? वैसे भाई चटनी तो मैंने टेस्ट नहीं की, लेकिन चाय ठीक है, लार गमले की होती है यहाँ पे, लेकिन पकौड़े और समोसे लगते हैं। पुल के नज़दीक ही फ्राइड फिश मिलती है, वो भी। जलेबी यहाँ पे एक बनती है, पता नहीं कौन सा नाम बता रहे थे उसका, वो भी। और फिर चपली कबाब, वो भी ट्राई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किन्नू का, माल्टे का सीज़न जो है शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ढेर लगे हुए हैं। किस तरह दर्जन है भाई जान? 80 रुपये जी। 80 रुपये दर्जन, ठीक हो गया। तो ये ड्राई फ्रूट भी इन्होंने साथ में रखा हुआ है। कितने पीस होते हैं किलो में भाईजान? 8 पीस। और किस तरह किलो है? 400 रुपये किलो। साला तेज हो, नॉर्मल थोड़ा तेज हो। नहीं, मसाले में क्या क्या है? ये धनिया होती है, जीरा, जमैन। धनिया, जीरा, जवाइन, कुटी हुई सुरख मिर्च, अनारदाना और मांडरी मसाला होता है। मांडरी मसाला क्या होता है? वो मांडरी से बनता है। तो ये टल्ली किस लिए है? तो पकड़ते हैं ऐसे। और
ठीक है पानी और आप आया कुछ मौसम ठंडा है तो मज़ा जो है दुकान जी माशाल्लाह कबाब अच्छी है। करम भाई अगर 100 में से इसको कबाब को नंबर देने के लिए कितने दे? मुझे मज़ा बहुत आया तो मैं 100 में से 80 तो कम से कम दूंगा। मेरे जहन में भी अच्छा बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। स्पेशली सर्दी है ना, बारिश हो रही है, पहले पकौड़े अब कबाब। जी जैन भाई जी नंबर मुझे भी देने पड़ेंगे। 81 तो ये जलेबियाँ हैं जिनका जिक्र हो रहा था भाई जान, में क्या कहते हैं कौन सी जलेबियाँ? ग्राटू जलेबी। ग्राटू जलेबियाँ पता नहीं क्यों कहते हैं, हमारी तरफ तो सिंपली जस्ट जलेबी होती है। ग्राटू जलेबी क्यों कहते हैं इसे? ये ताज़ा ताज़ा फ्रेश लाता है ना, तो ताज़ा ताज़ा फ्रेश मौसम बहुत ठीक है यहाँ पर। नहीं, ये नाम क्यों है इसका? नाम उसका जो है लाल जलेबी तो बहुत ठीक है ना, इसके उसके बदले में इसका नाम मिला था। ग्राटू का क्या मतलब है? ग्राटू का यह मतलब है कि एक खमीर की जगह है ना, इसके लिहाज से मेवे रखते हैं ना, उसकी वजह से इसका नाम ग्राटू। चौस है गरम गरम जलेबी, ठंडा ठंडा मौसम, कुछ मीठा हो जाए। वो खड़े होके खाने के लिए माजरत। गरम भाई मुझे जो कुछ लोगों को ना ये कुरकुरी वाली पसंद है, लेकिन मुझे ये जो रस से भरी होती है ना मोटी वाली जी, ये वाली जगह ये ज़्यादा पसंद। क्रिस्पी भी है और रस से भी भरी, दोनों चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिस्पी तो होती हैं लेकिन रस से भरी नहीं होती, इसमें दोनों चीज़ें। इसको कितने नंबर देंगे? इसको 100 मेरी तरफ से 90 और जैन भाई की तरफ से देखते हैं। हंड्रेड आप दोनों भाई हैं जी, तो स्कूल जाते हैं आप दोनों के? नहीं जाते हैं, स्कूल से वापस आए।
आप कौन सी क्लास में हैं? मैंने अभी सेकंड ईयर की है, अभी बीएस में एडमिशन ली है। माशाल्लाह। और आप कौन सी क्लास में हैं? एट क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में स्कूल के बाद काम भी करते हैं? जिंदाबाद। तो ये क्या क्या लगाया इसको? इसके अंदर अभी मैदा भी लगाया है और कलर भी है, साल्ट भी है और कॉर्न फ्लोर भी है, नमक भी और साल्ट नमक। ऊपर से ढककर पकाएंगे? हाँ, इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, जल्दी फ्राई हो जी। तो नासर फिंगर चिप्स जो है, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी ना आप दोनों भाइयों में, कि आप पढ़ते हो। हाँ, स्टडी हमारी स्टार्ट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो खुद तो अनपढ़ हूँ जी, इसलिए मुझे पढ़ने वाले लोग बहुत पसंद हैं। और पढ़ाई के साथ साथ काम करना, सलूट है, सलाम है आप दोनों भाइयों को। एक भाई बना रहा है, दूसरा पैकिंग कर रहा है। तो मैं 101 नंबर दूंगा, क्योंकि इन दोनों भाइयों की मोहब्बत और साथ में ये स्टडी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो इन भाइयों को आप कितने नंबर देते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। हम मामा होटल पे हैं, तो यहाँ की फ़िश जो है वो काफ़ी फेमस है, फ्राइड फिश। खाना भी यहाँ पे अच्छा होता है, नाश्ता हमने यहीं पे किया जितनी बार भी आए। तो अभी यहाँ से फ्राइड फिश जो है वो ट्राई करेंगे। 5 साल पहले कंपनी की तरफ से टूर पे मैं आया था, तो तब भी एक ड्राइवर भाई थे हमारे साथ मरी से, तो वो फ्राइड फिश के लिए हमें यहीं पर लेके आए।
91 कर ले। असल में इतना कुछ खाली है मैंने सुनो का 5 से 6 चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं और अभी भूख तो नहीं था बिल्कुल भी है, लेकिन फिश है तो फिर खानी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शाम हो गई है, खा खा के हमारे पेट जो है वो फूल गए हैं। ऐसे ही हम गर्म भाई अभी कुछ गुंजाइश नहीं है, अब बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को, मुकर्रम सलीम को, ज़ैनुल आबिदीन को हम सबको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।